स्वागत है आपका वॉइस आपकी आवाज देश विदेश की खबरों पर। मैं हूं रुबीना। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ चुनिंदा खबरों पर। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने सोमवार को वर्कर्स पार्टी की 75वीं सालगिरह पर देश को संबोधित किया। इस दौरान सैनिकों का शुक्रिया अदा किया, अपनी गलतियों की माफी मांगी और नम आंखों को पोंछते नजर आए। गिलगित बाल्टिस्तान को अलग प्रांत बनाकर वहां की स्थिति को बदलने की पाकिस्तान सरकार की कोशिशों के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। इसे लेकर वहां के लोग मुजफ्फराबाद, करांची और हुजा में सरकार के विरोध प्रदर्शन किए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बेलाघाट इलाके में मंगलवार सुबह जोरदार धमाका हुआ। बेलाघाट गांधी धाम फ्रेंड सर्कल क्लब की छत धमाके के बाद उड़ गई। धमाके के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मामूली सड़क हादसे के बाद ऑटो चालक को सरेआम बेरहमी से पीटा गया। इतना ही नहीं, जो चालक को बचाने के लिए गया आरोपियों ने उसे भी गाली देकर धमकाया। हरियाणा के हिसार में सोमवार देर शाम 17 बंदी वार्डरों पर हमला करके फरार हो गए। इस हमले में मौके पर तैनात 3 वार्डर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के मुल्लुड में सोमवार को एक अस्पताल में आग लग गई। आग लगने के बाद 40 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इनमें से एक मरीज की बाद में मौत हो गई। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने सोमवार रात बिरसा चौक से एक कार से 2 सूटकेस में 1000 फर्जी पासपोर्ट, 10.5 लाख रुपए नकद के साथ राजेश प्रसाद नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में रविवार देर रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना फैलते ही आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पत्नी और सास की जमकर पिटाई की और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में सोमवार सुबह करीब 5 बजे एक डंपर चालक नियंत्रण खो बैठा, जिससे डंपर सड़क किनारे एक दुकान में जा घुसा। डंपर के पीछे चल रहे एक लोडर भी उससे टकरा गया। इस हादसे में एक दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक का अपहरण करने वाले अपहरणकर्ताओं और पुलिस के बीच सोमवार देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 अपहरणकर्ता और एक सिपाही घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में गोली लगने से एक कारोबारी की मौत हो गई है। मृतक की पहचान अरविंद चौहान के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन चलाने की मांग को लेकर पंडुआ के बाद चिंचुड़ा और लिलुआ स्टेशन पर यात्रियों ने रेल अवरोध किया। हावड़ा से सटे लिलुआ स्टेशन पर तो प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन मास्टर कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ मचाया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सोमवार रात सोते समय 3 दलित बेटियों पर तेजाब फेंका गया। तीनों झुलस गईं, इनमें से एक गंभीर रूप से घायल है। एसिड फेंकने का कारण अज्ञात है। जापान ने दावा किया है कि रविवार सुबह 2 चीनी जहाजों ने उसके जल क्षेत्र में प्रवेश किया और मछली पकड़ने वाले नाव को पकड़ने का प्रयास किया। लगातार चेतावनी दिए जाने के बाद भी चीनी जहाजों की उपस्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के राज्य संपत्ति विभाग में तैनात व्यवस्था अधिकारी नसीम अख्तर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनका शव हुसैनगंज थाना क्षेत्र OCR बिल्डिंग के कमरे में पड़ा मिला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के टॉय फैक्ट्री में गैस सिलेंडर फट गया। धमाके में बिल्डिंग का हिस्सा धराशायी हो गया, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए।